इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होती है? सिंपल गियर ट्रेन होती है, उसमें क्या होता है, एक एक्सिस और दूसरे गियर, दोनों गियर की एक्सिस फिक्स रहती है और दोनों गियर एक फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट होते हैं, जबकि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में केवल एक गियर की एक्सिस फिक्स होती है, दूसरे गियर की एक्सिस फिक्स नहीं होती। और इस वाले गियर से ये वाला गियर बाया आर्म कनेक्ट रहता है, यानी कि केवल इसकी एक्सिस फिक्स है, तो एक गियर के अराउंड दूसरे गियर तो रोटेट करेगा प्लस उसकी एक्सिस भी रोटेट करे, तो उसको बोलते हैं हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सिंपल गियर ट्रेन में क्या होगा, एक गियर है और ये दूसरा गियर है, ये गियर इस गियर की वजह से रोटेट होगा, यानी कि ये वाला गियर भी अपनी पोजीशन पर रोटेट होगा, ये वाला गियर भी अपनी पोजीशन पर रोटेट होगा। यदि इनके टीथ हम बनाना चाहें तो टीथ कुछ इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे गियर की मैं टीथ बनाता हूं, देखिए ये टीथ कुछ इस टाइप से होंगे, क्योंकि उनमें शो करने में शो नहीं कर सकते हम, तो हमने उनको सिंपली बना दिया। ये वाला गियर, ये दोनों एक दूसरे के अराउंड रोटेट होंगे लेकिन इनकी एक्सिस रोटेट नहीं होगी, जबकि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है, एक गियर ये है, ये हो जाएगी सिंपल, ये हो जाएगी एपिसाइक्लिक। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है, ये वाला गियर है, ये वाला गियर फिक्स गियर होता है, दूसरा ये वाला गियर है, इसको थोड़ा छोटा बनाया जाए, लेकिन ये वाले गियर की एक्सिस फिक्स नहीं होती। इस वाले गियर से इस वाले गियर को हम कनेक्ट करते हैं बाय आर, यानी कि इस वाले गियर ट्रेन में क्या है, दोनों गियर अपनी जगह पर फिक्स हैं और अपनी जगह पर केवल रोटेट हो सकते हैं। इस वाले गियर में क्या होता है, केवल एक गियर फिक्स है, तो ये वाला गियर रोटेट इस गियर के अराउंड रोटेट हो सकता है, ठीक है। ये फिक्स ना रह के गियर अपनी पोजीशन पे तो रोटेट हो गई प्लस इस गियर के अराउंड भी रोटेट हो जाएगा, यानी कि गियर के साथ साथ उसकी एक्सिस भी मूव करे, तो उसको बोलते हैं हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसमें इस गियर की एक्सिस भी मूव कर रही है जबकि इस वाले गियर की एक्सिस मूव नहीं कर रही है, ये होती है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यदि हम इसका साइड व्यू बनाए तो ये एक गियर है, ये दूसरा गियर है, इस गियर की एक्सिस ये है, ठीक है, और ये फिक्स है। अब हमने क्या किया, एक आर्म लिया, उस आर्म की एक्सिस ये हो जाएगी, ठीक है, इस वाले गियर की एक्सिस ये है। और इस वाले गियर की एक्सिस को थोड़ा बड़ा बनाया जाए, सीधा भी बनाना पड़ेगा, और इसको हम आर्म के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, इस आर्म से कनेक्ट कर दी, ठीक है। देखिए ये वाला गियर फिक्स नहीं है, ये आर्म के द्वारा कनेक्ट है, यानी कि ये वाला गियर इस गियर की वजह से तो रोटेट हो गई प्लस आर्म की वजह से भी रोटेट हो गया, यानी कि इसमें दो आरपीएम हमको मिलेंगे ड्यू टू आर्म और ड्यू टू दिस गियर। इस देखिए सिंपल गियर ट्रेन में ये गियर की वजह से रोटेट होता है, जबकि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में ये गियर की वजह से तो रोटेट होगा लेकिन जब ये आर्म रोटेट होगी तो इसकी एक्सिस भी रोटेट होगी, यानी कि इसको डबल आरपीएम मिलने वाले, एक तो इस गियर की वजह से, एक इस आर्म की वजह से। समझ में आ गया? देखिए केवल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एक ऐसी गियर ट्रेन है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम गेन कर सकते हैं केवल एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन से, जबकि सिंपल गियर ट्रेन में ये पॉसिबल नहीं है। समझ लीजिए, इसको समझते हैं हम ऐसे कि इसमें है 100 टीथ, इसमें है 50 टीथ, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है 100 आरपीएम से, तो ये वाला रोटेट करेगा 200 आरपीएम से, हम निकाल लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। एन ए का आरपीएम कितना है 100, एन बी का आरपीएम हमको निकालना, टी बी के कितने टीथ हैं 50, टी ए के कितने टीथ हैं 100, तो एन बी आ जाएगा
200 rpm, यानी कि गियर ए, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको यदि हम बी मान लें, तो इस गियर ए की वजह से बी गियर 200 rpm से रोटेट होगा। यानी कि यदि हम गियर बी बोलें, ये लिया गियर, गियर बी, गियर ए की वजह से गियर बी 200 rpm पर रोटेट होगा। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है 100 rpm से, गियर ए 100 rpm से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये करेगा क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखिए, अब आर्म का क्या मजा है, आर्म का मजा अब आपको समझ में आएगा। बाय आर, यदि आर्म 100 rpm से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, 200 + 100, तो टोटल गियर बी का रोटेशन हो जाएगा 300 rpm। यदि आर्म का रोटेशन हम कर दें, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसके आरपीएम को हम क्या कर दें, 100 rpm एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए इसका 200 क्लॉक, इसकी वजह से गियर ए की वजह से गियर भी 200 rpm क्लॉकवाइज आ रहा था, लेकिन आर्म को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो गियर बी की जो वेलोसिटी है वो 0 rpm हो जाएंगे। आपको मजा समझ में आ रहा है ना कि एक गियर ट्रेन से हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीड गेन कर सकते हैं। यदि आर्म को हम 200 rpm एंटी क्लॉकवाइज कर दें, सॉरी मेरे को यहाँ पे 200 लिखना था, 200 rpm एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसको हम 300 एंटी क्लॉकवाइज कर दें, 300 rpm से एंटी क्लॉकवाइज कर दें। देखिए गियर ए की वजह से गियर भी 200 क्लॉकवाइज आ रहा था, लेकिन इसकी वजह से 300 एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो टोटल रोटेशन होने वाला है वो होने वाला है 100 rpm एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि गियर बी का टोटल रोटेशन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये 0 rpm हो जाएगा, प्लस ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। यानी कि हम केवल एक गियर ट्रेन से डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम गेन कर सकते हैं, यही मजा होता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। देखिए यदि गियर ए की वजह से गियर बी 200 rpm क्लॉकवाइज आ रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज, जब एक्सटर्नल मैशिंग होती है गियर की तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, और आर्म कितना है क्लॉकवाइज 100 rpm से, तो टोटल आरपीएम हो जाएगा गियर बी का 300 क्लॉकवाइज। यदि गियर ए 200 rpm से क्लॉकवाइज आ रहा और आर्म को हमने क्या कर दिया 200, गियर ए 100 rpm से रोटेट कर रहा है, तो गियर बी 200 rpm से 200 rpm से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लेकिन हमने आर्म को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, यानी कि टोटल रोटेशन क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज 0 हो जाएगा, यानी कि गियर भी रोटेट ही नहीं करेगा, गियर ए रोटेट कर रहा है लेकिन गियर भी रोटेट नहीं कर रहा। अब हमने क्या किया, गियर ए की वजह से गियर भी 200 rpm क्लॉकवाइज चलेगा, अब हमने क्या किया आर्म को 300 rpm से एंटी क्लॉकवाइज चला दिया, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल इसका आरपीएम होने वाला है, देखिए गियर एक आरपीएम 100 rpm हो गया, यानी कि गियर ए के बराबर, जबकि गियर बड़े छोटे हैं। यही मजा होता है इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो गेन कर सकते हैं इसमें बाय आ वन गियर ट्रेन। इसीलिए जो भी व्हीकल होते हैं उनमें यही वाली गियर ट्रेन यूज होती है गियर बॉक्स में, तो आपको पता चल गया एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कितनी मजेदार गियर ट्रेन होती है। इसमें हम एक ही एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन से डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम गेन कर सकते हैं, और यदि और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये था एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में, और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।